NYKS के लिए जितने भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं सभी के लिए वैसे चौहान अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है आपका। और मैं आप सभी को एक बताना चाहता हूँ, हमने एक इंटरव्यू प्लान शुरू किया था और उसमें मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था, सेकेंड लेक्चर भी आपको ये चल रहा है। इसमें मैं पूरी पूरी स्ट्रक्चर बात करेंगे, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द NYKS, इसका फंडामेंटल क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कोर प्रोग्राम क्या है। अच्छा, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिल जाएगी कि थोड़ा बहुत कि आखिरकार इंटरव्यू में किस चीज़ों से बोला जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। मैंने लास्ट टाइम जो कुछ क्वेश्चन बोले थे बहुत अच्छे, कुछ गर्ल्स बॉयज़ ने अच्छे आंसर किए उसके और अच्छे आंसर लिख करके भेजे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को उसमें जो भी थोड़ा बहुत फेरबदल करने होंगे मैं आपको सुझाव दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो चीज़ें आपके अंदर हैं वही चीज़ आप बोलिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इंटरव्यू का शेड्यूल आज से था तो 30 तारीख कल है, तो कल शाम से इंटरव्यू का शेड्यूल रखा जाएगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई NYKS का एक पर्सन उसमें हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और आपको पता है किसी भी एक ऑफिशियल पर्सन को बुलाने के लिए थोड़ा यू नो अप्रोच के साथ साथ क्या उसकी भी व्यस्तता में देखनी पड़ती है कि वो कितना मतलब फ्री भी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम किसी भी का टाइम कोई वैल्यू ना करें। इसलिए मैंने कोशिश की है कि कोई NYKS का एक पर्सन होगा पैनल में जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप सभी को मैं डिटेल सेंड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरव्यू की जगह कहाँ पर, उसे बता दूँ आपको लोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। अभी हम डिस्कस करेंगे NYKS के बारे में, NYKS के कोर प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा इसका स्ट्रक्चर बात करेंगे, क्या है NYKS, कैसे इसका प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, उससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपरेशन क्या करनी है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे थोड़ा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एज यू नो इंटरव्यू इज अ जस्ट लाइक यू नो इट्स अ इंटरपर्सनल स्किल्स, और कोई भी सामने वाला जो बंदा होता है जो सब बैठा होता है ही और सी डजंट नो अबाउट यू राइट। वेन एवर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग देन द पर्सन कैन रिकोगनाइज यू एक्चुअली वॉट यू आर, मतलब देर इज़ नो मैटर अबाउट दैट लैंग्वेज, देर इज़ नो मैटर अबाउट आपसे किसी से हिंदी अच्छी बोलनी आएगी, किसी इंग्लिश अच्छी नहीं बोलनी आएगी, सो नो मैटर अबाउट दैट कि आप अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं, यू कैन स्पीक बायलिंगुअल ऑल्सो। और देखिए अपने भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है सामने वाले के तक, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है संप्रेषण जिसे कहते हैं, कम्युनिकेशंस जो होना चाहिए आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और वो जो कहना चाह रहा है, जो पूछना चाह रहा है, वो आप उसका आंसर करें। ऐसा नहीं कि वो पूछना कुछ और चाह रहा है आप उसका आंसर कुछ और कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। कई बार प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला हमसे कुछ और पूछ रहा होता है और हम वो बताते जो हमें पता होता है, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एसोसर डिवाइस इंटरव्यू की बात करेंगे। तो नेहरू युवा केंद्र जो है इस्टाब्लिश हुआ इन द ईयर 1972 में, विद द ऑब्जेक्टिव्स का था प्रोवाइडिंग रूरल यूथ एवेन्यूज टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में एज वेल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनलिटी स्किल्स। स्क्वाड 1987-88 में क्या निरुवा केंद्र जो वॉज अ सेटअप एज एन द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू ओवरसीज वर्किंग फॉर दीज केंद्र। तो NYKS लार्जेस्ट एक ग्रास रूट्स लेवल है यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारी पावर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। ओवर द ईयर्स निर्वा केंद्र संगठन हैज़ इस्टाब्लिश अ नेटवर्क ऑफ यूथ क्लब्स इन विलेजेस में। अब क्या होता है कि जैसे NYKS है और ये बहुत इस्टाब्लिशमेंट के साथ साथ इसने क्या किया, विलेजेस लेवल पर, रूरल लेवल पर अच्छे काम कर रहा है, साथ इसमें टारगेट करता है, आइडेंटिफाई करता है हार्नेसिंग यूथ में, सब में एक प्यार मोहब्बत बढ़ती रहे, डेवलपमेंट होता रहे, फॉर्मिंग ऑफ यूथ क्लब्स बने, और साथ साथ विलेज लेवल पर वॉलेंट्री एक्शन चलते रहे, तो इसलिए वॉलेंटियर्स वगैरह बनाए जाते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर क्रिएशन यूथ क्लब्स क्या है कि रेंडर कमिटी सपोर्ट करना थ्रू द डेवलपमेंट इनिशिएटिव था इन्वॉल्व करना एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर फोकस ऑन यूथ जो एम्पावरमेंट करना उनको, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ यूथ क्लब्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बाय द मोबिलाइज करना इन चीज़ों को, ये है। इसके बाद अदर ऑनेज जो एजेंसीज की बात करें इंक्लूड्स द बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल में बात करें तो मल्टी जो लेटरल इंस्टीट्यूशंस द यूथ क्लब्स एंड इट्स मेंबर वॉलंटियर्स जो है बेस ऑफ NYKS वाज नेशनल रूरल नेटवर्क। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, देखो दो फील्ड में वर्क है, एक तो टू इन्वॉल्व द रूरल यूथ इन नेशंस बिल्डिंग कनेक्टिविटीज को, साथ में टू डेवलप सच स्किल्स एंड वैल्यूज इन देम विथ विच दे बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड
प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सेकुलर एंड टेक्नोलॉजिकल नेशंस। तो जैसे हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन है, सो ये वर्क करता है वेरियस फ्रंट्स ऑफ द यूथ डेवलपमेंट के बारे में, वैरायटी ऑफ यूथ प्रोग्राम्स के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स सर्टेन बहुत सारी स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं। साथ साथ इसका मिशन होता है, फोकस होता है क्या करने का, डेवलपिंग वैल्यूज गुड सिटीजन थिंकिंग एंड बिहेवियर इन द सेकुलर वेज, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग यूथ टू अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। विजन क्या है इसका, विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका, डेवलप करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में, एक तो गुड सिटीजनशिप बनाना, यूथ लीडरशिप उनके अंदर ग्रास रूट लेवल तक वर्क करना, यूथ क्लब्स के थ्रू क्या करना है इसके अंदर, एक जो इनकरेज बनाना चीज़ों पार्टिसिपेशन बनाना स्पोर्ट्स में, कल्चर में, लोकल डेवलपमेंट में, इन सब में। यूथ लीडरशिप इज अ डेवलप इन द कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द सस्टेंस ऑफ यूथ क्लब्स, और ये जो लीडरशिप है बिकम्स हाईली यूजफुल इन द क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑफ द वॉलंटियरशिप बनाना, अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेट करना, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेट करना, पॉलिटी में, डेवलपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट जो भी इंपावरमेंट्स के उनको अंदर स्किल जनरेशन करना, युवाओं को अवेयरनेस करना, क्रिएशन करना हेल्थ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सब। इसके अलावा जो है 3/4 ऑफ द इंडियन जो पॉपुलेशन जो रूरल में है, और तो डेवलपमेंट जो नेशन करना होल अगर हम देखना चाहते तो हमें वहाँ भी जाके वर्क करना पड़ेगा, तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात थोड़ा करते हैं, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, उसके बाद होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हेडक्वार्टर्स है उसके, स्टेट ऑफिसर्स हैं, उसका नेहरू युवा केंद्र है, फिर नेशनल यूथ कॉर्प्स वॉलंटियर्स होते हैं, फिर यूथ क्लब्स हैं जो कि कितने हैं 1.69, तो सबसे नीचे आपका यूथ क्लब्स आता है, फिर नेशनल यूथ कॉर्प्स आते हैं वॉलंटियर्स जिसे कहते हैं, उसके बाद नेहरू युवा केंद्र आते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफिसर्स आते हैं, उसके बाद उसके हेडक्वार्टर्स हैं, उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो ये कि स्ट्रक्चर हो गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें अगर तो इस समय से किरण जो है रिजिजू इनको बनाया गया चेयरपर्सन, ठीक है, ये बाकी ये हैं मेम्बर्स हैं अलग अलग, जैसे आप बात करेंगे जो एमपी हैं एलएस दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के मेंबर हैं, इससे पास से लोकसभा इधर कर्नाटक के इधर के हैं, और बाकी जो एमपी हैं इसमें देखेंगे एक एमिनेंट पर्सनस भी इसमें होते हैं कुछ, स्पोर्ट्स के भी जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसे, फिर डायरेक्टर जनरल एनसीसी वगैरह के होते हैं, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी फाइनेंस एडवाइज़र वगैरह, डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, मसूरी जो आईएएस के जो हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आईएएस भी होते हैं वर्क करते हैं, तो बहुत अच्छा है। श्री जो है आशीष सिंह है जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद है डायरेक्टर जनरल नेहरू युवा केंद्र संगठन के, उसके बाद आपका आता है श्री डायरेक्टर नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस के होते हैं, उसके बाद माधवी अग्रवाल हैं, श्री शत्रुद्रा प्रताप सिंह हैं, इमिनेंट पर्सन से भी। कमेटी की बात करें तो डॉक्टर जो आपके हैं जो है सत्यनारायण जतिया हैं बीजेपी के, तो ये कमेटी में इतने लोग हैं इसमें, लोकसभा से भी है और बाकी ये पार्टी राज्यसभा से है, तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हैं। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो होता है वो स्टेट होता है, उससे पार्लियामेंट जो एमएलए एमएलसी जो होती हैं वो भी होते हैं, डायरेक्टर यूथ जो सर्विस करते हैं स्पोर्ट्स के होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के होते हैं, सोशल वेलफेयर के होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर कल्चर के होते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर के लोग इसमें होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, SC ST, आप देख रहे हैं आप कहाँ काम करने जा रहे हैं यार, ये तो जिससे माइंड ब्लोइंग है, NSS लीडिंग यूनिवर्सिटी, NCC, BSG, SC हिंदुस्तान डिस्ट्रिक्ट, रेड कॉप्स जो रेड सोसाइटीज़ होती हैं, नोडल ऑफिसर्स, इन सब से आप काम करें, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ वर्क करें एक्चुअली में। सो ये सब चीज़ें होंगी आपके, NYKS भी होंगे जो आपके यूथ जो एंटरप्रेन्योरशिप होंगे वो भी होंगे, ठीक है, तो ये सब लोग होंगे जो कि वर्क करेंगे इसमें मेंबर में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कमेटीज़ के फंक्शंस क्या हैं, तो बहुत बड़े फंक्शंस के स्टेट लेवल पर भी डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ NGOs UN एजेंसीज को वर्किंग करना, मैंने बोला था कि UN एजेंसीज के साथ वर्क करते हैं, कई बार आप विदेशों में जाते हैं सो बहुत सारी एजेंसीज के साथ वर्क करते हैं आप, ठीक है, साथ में जो स्टेट एजेंसीज होती है जो फाइनेंस करती है इसमें, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वर्क होता है पूरा, जो उसके नीड्स हैं एस्पिरेंट्स हैं जो भी। इसके अलावा इसमें बात करें जो नेसेसरी रिसोर्सेस हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। और इसके अलावा जो फ्रिक्वेंस जो मीटिंग होती है सब होती है, साथ 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 में जो टेन्योर ऑफ जो SACYP है ये कंटेस्ट बॉडी है, वेयर एज अ टेन्योर ऑफ नॉन ऑफिशियल एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इसमें, चेयरपर्सन होते हैं इसमें, स्टेट डायरेक्टर्स NYKS के भी होते हैं जो वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी। अच्छा, मैं आपको पहले बोला था जितने भी इंटरव्यू वाले प्रिपरेशन कर रहे थे कि आप इंटरव्यू की बुक लेना, उसी के कुछ पार्ट्स हैं कितने महत्वपूर्ण है, कितनी अच्छी चीज़ है, राइट।
लेकिन आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोग नहीं लिए, शायद हो सकता है आप लोग ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखे हैं उसके बारे में। बाकी मैंने बोला था कि इसको परचेस कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्ज पे मिल रही थी। कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी ऑन यूथ प्रोग्राम की बात करें, DSCYP कहते हैं इसको, पहले हमारे स्टेट किए, पहले हम नेशनल किए, फिर स्टेट, आप DYC कर रहे हैं। तो द डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर जो होता है विल मीट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड गेट द DYCYP रिकॉन्स्टिट्यूट एज पर द गाइडेंस ऑफ द फॉलोइंग कम। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ठीक है, समझिए बात को, आपको वो होगा चेयरपर्सन और जस्ट आप होंगे सेक्रेटरी, मतलब आप IAS के साथ। मैं आपको बोला था कि ये बहुत ही हाईली रिनाउंड जॉब है यार, राइट, आप मेरी बात को शायद नहीं मानते हैं। देखो, एक कोई कलेक्टर IAS बनता है तो कम से कम 5 साल 7 साल 8 साल बाद पहुंचता है, एक DM बनता है, लेकिन जब आप DYC बनते हैं तो आप वो जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स के बाद आप यहाँ पर बैठ जाते, इस पोजीशन बैठ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट DM से साथ मिलकर के आप काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर होंगे, दूसरा DY डायरेक्टर होगा, उसका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का, उसका चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, सिविल सर्जन, समझो आप कहाँ बैठोगे, जनरल मैनेजर DIC होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होगा, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा, उसका लीड बैंक ऑफिसर होगा, प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा DRDA के, उसका नोडल ऑफिसर NSS के, NCC के, BSD भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हो गए, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के होंगे, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी होगी, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, नोडल ऑफिसर साहब PRI होंगे पंचायत राज के, यूको क्लस वाले होंगे, इतने सारे लोग होंगे और इतने सारे लोगों को लीड आपको करना भाई साहब, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स हैं, इधर देखिए आप, ठीक है, अब इन सारे मेंबर्स को आप लेकर के चलना है, ठीक है, और आपको वर्क करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, है ना। तो आप इस बुक को लेकर के इसका PDF ही निकाल के अगर आप इसको इसकी पढ़ते तो आपको कितना मज़ा आता, कितना आनंद आता कि वाकई में हम किसके लिए जा रहे हैं, तो आप एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाते खुद के लिए और आपका इंटरव्यू और तरीके से जाता, राइट। चौहान अकेडमी एक छोटी सी कोशिश की थी एक बुक को लॉन्च करके, लेकिन क्या है ना कि अक्सर ये होता है कि हम कई बार अच्छी चीज़ें हमारे पास सामने होते हुए भी हम उस चीज़ को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है, और बेवकूफ़ों के चर्चे में आ जाते हैं और वहाँ पर हम फंस जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि बेवकूफ़ ये होते हैं कि वो बेवकूफ़ नहीं, उन्हें होशियार कहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप जैसे टैलेंटेड, आप जैसे सेलेक्टेड लोगों को भी वो बहका सकते हैं, ठीक, तो खैर ये तो आपके पर डिपेंड करता क्या नहीं है, लेकिन ये जो भी ये किताब के जो मैंने अंश दिखाए हैं आपको, ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली मीटिंग होती है DYPC, किस प्रकार से मीटिंग होती है, चेयरपर्सन कैसे रिप्रूव करता है, टेन्योर क्या है इसका, इसके रोल्स क्या हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ठीक, तो इसके रोल्स के मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, इतना आप अपना बढ़िया नोट्स बनाइए, देखिए कि आप कहाँ पर प्रिपेयर कर पा रहे हैं और कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, ओके, टेक केयर। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, राइट, और आपको समझ में आया होगा क्या है NYKS के प्रोग्राम्स कैसे हैं और किस प्रकार से NYKS के प्रोग्राम्स चलते हैं और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, और ऐसे ही चीज़ें करके आपको थोड़ा थोड़ा अपनी मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है और इन्हीं चीज़ों पर पूरा का पूरा फोकस करना है। आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट फॉर यू और आई थिंक इससे बेहतर आपको गाइडेंस जो है मतलब आप ही खुद ढूंढ सकते हैं, बाकी आउटसोर्स में तो इससे बेहतर नहीं मिलेगी, मुझे भी अच्छे से पता है, मैं भी यूट्यूबर हूं तो मैं भी देखता रहता हूं यूट्यूब पर कि क्या चीज़ें NYKS के बारे में अवेलेबल है क्या नहीं है, तो आपके लिए तो एक प्रकार से बेस्ट है। अच्छा, अपना ध्यान रखें आप, और अगर आपको इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं तो आपका ये मॉक इंटरव्यू 8 से शुरू हो, उसके पहले इंटरव्यू हम एक हफ्ते का फ्रूड रखें, उससे 1 से 2 इंटरव्यू रखेंगे आपके, उसके लिए आपके नंबर है 7827 28221, ठीक है, इसका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और मॉक इंटरव्यू के लिए आप मुझे बता दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना रिज्यूम वगैरह सेंड कर दीजिएगा, सो आई लेट यू नो कि इसका कहाँ पर एड्रेस है, कहाँ पर लोकेशंस कहाँ पर हो, वेन्यू क्या होगा। ड्रेस कोड मैं आपको बता दूँ, ड्रेस कोड आपको फॉर्मल पहनना, व्हाइट शर्ट पहन लीजिएगा और आपको ब्लैक या जो भी आप चाहते हैं पैंट पहन लीजिएगा और ब्लैक शूज़ रखना है आपको, ठीक है, अगर कुछ लोग ब्राउन शूज़ भी हैं तो उसमें पॉलिश वगैरह करके बकायदा, टाई वगैरह का बियर मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, और अब बढ़िया बकायदा थोड़ा बालों की हेयर कटिंग प्रॉपर तरीके से कर लेने तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए सूट अगर आप पहन सकती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सूट आपके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, सिंपल सोवर सूट हो, ठीक है, दुपट्टे के साथ बहुत बढ़िया लगेगा आपको और आप एक तरीके से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, और नॉर्मल सैंडल होनी चाहिए, ज़्यादा हाई हील में पहन लीजिएगा, है ना। सो दिस इज़ एक्चुअली आप मेरे सजेशन है आप लोगों के लिए, जब आप आएँ तो इसको करके आएँ, ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, चौहान अकेडमी इज ऑलवेज विद यू, ऑल द बेस्ट।